मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व कर रहे थे, और उसमें आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 नंबर तक हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। आज हम 8 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहेंगे। मैं पढ़ रहा हूं 8 नंबर क्वेश्चन, आप भी देखिएगा। लिखा हुआ है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका वाई अक्ष पर अंताखंड 3 है और जो तल जेड ओ एक्स के समांतर है। देखिए यहां पर मैं एक छोटा सा फिगर बना देता हूं आपको समझने के लिए। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो समतल है वो वाई अक्ष पर अंताखंड 3 काटता है। ये वाई अक्ष पर 1, 2 और 3, वाई अक्ष पर कितनी लंबाई का अंताखंड काटता है? 3 लंबाई का अंताखंड काटता है और जेड ओ एक्स के समांतर है। देखिए जेड ओ एक्स तल कहां है? ये है जेड ओ एक्स तल, ये जेड ओ एक्स, ये जेड ओ एक्स का प्लेन है। और एक समतल ऐसा है जो वाई अक्ष पर 3 लंबाई का अंताखंड काटता है। यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 3, 0, ठीक। वाई अक्ष पर 3 लंबाई का अंताखंड काटता है और जेड ओ एक्स के समांतर है। अगर जेड ओ एक्स के समांतर होगा तो ये कैसा प्लेन होगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिगर से आपको समझ में आई ये चीज। ये देखिए, ये कुछ आपको समझ में आ रहा है जरा सा? ये कैसे बना है? ये जेड ओ एक्स प्लेन है और ये एक प्लेन ऐसा है जो वाई एच को 3 दूरी पर काटता है, मूल बिंदु से 1, 2, 3 डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करता है और जेड ओ एक्स जो प्लेन है उसके समांतर है। ये कुछ फील हो रहा है आपको? इसका मतलब ये कौन से अक्ष को काटेगा? ये एक्स अक्ष को काटेगा कि नहीं काटेगा? देख लीजिए, क्या ये एक्स एक्सिस को काटेगा? आंसर इज नो। क्या ये जेड अक्ष को काटेगा? नहीं, ये केवल वाई अक्ष को ही काटेगा। ना समझ में आई? और कितनी दूरी पर काटेगा? यहां से 3 दूरी पर काटेगा। मतलब साफ है कि ये अगर वाई अक्ष ऐसे जा रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भैया, अगर ये वाई अक्ष है, मैं इसको आपको दिखाता हूं और देखिएगा कितनी आसानी से हमारा जवाब आ जाएगा अगर आप समझ गए तो। ये वाई एक्सिस है, इधर होगी कहीं ये जेड अक्ष है और इधर की तरफ कौन सी अक्ष होगी? एक्स अक्ष। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है? ये है जेड ओ एक्स प्लेन, ये जो मैंने बनाया है। और एक ऐसा तल है जो वाई अक्ष को 1, 2, 3 दूरी पर काटता है, और ये प्लेन यहां पर ऐसे बना है, जेड ओ एक्स प्लेन ये है, ठीक है, और ये प्लेन यहां पर बना है। तो ये दोनों समतल आपस में कैसे हो गए? समांतर। और ये वाला जो समतल है, ये केवल और केवल किसको काटता है? वाई अक्ष को। ना तो ये जेड अक्ष को काटेगा और ना ये एक्स अक्ष को काटेगा, क्योंकि जेड ओ एक्स की कैसा है? समांतर, उन्होंने दिया हुआ है, पहले से ही दे रखा है। तो ऐसा ये प्लेन बना हुआ है। अब इसकी इक्वेशन चाहिए। आप देखिए इतना इजी है, थोड़ा सा अगर दिमाग खर्चा कर लें तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। ये वो प्लेन है, भूल जाइए जेड ओ एक्स को, इसको याद रखिए। ये वो प्लेन है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। ये ऐसे वाई एच पर यहां से 1, 2 और 3 डिस्टेंस पर पड़ता है। आपको नहीं लगता कि ये जो समतल है जिसका समीकरण हमको चाहिए वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पड़ेगा? 3 दूरी पर पड़ेगा। समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी कितनी है? 3। और इस दिशा में इकाई सदिश कितना है? जे कैप।
वाई एच है ना, तो इस दिशा में इकाई सदिश कितना है, जे कैप, तो ये तो वही हो गया ना। मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी कितनी है, 3 मात्रक, और मूल बिंदु से समतल पर जो लंब डाला गया है उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर कितना है, जे कैप। तो आपको नहीं लगता यार कि इसका हम समीकरण सीधे सीधे लिख देना, वेक्टर आर डॉट जे कैप इज इक्वल टू 3। अरे भाई क्या इक्वेशन होती है, वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी होता है कि नहीं होता। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है। आज नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या है, यहां पर वाई एच है, कैनो दिस जे कैप, और मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी कितनी है, 3। तो हमने लिख दिया आर डॉट जे कैप इज इक्वल टू 3, क्योंकि ना तो ये जेड एच को काटेगा और ना एक्स एच को काटेगा, क्योंकि उस वाले प्लेन के तो समांतर है ये। अभी भी नहीं समझ में आया, आ गया? तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। बहुत ज्यादा आप कर सकते हो, यहां पर एन कैप कितना आएगा, जे कैप, तथा डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू होगी 3 मात्रक। ठीक है, इस तरह से ये आपका समतल की अभीष्ट समीकरण। इसलिए समतल की अभीष्ट समीकरण। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर हम आपसे यहां पर पूछ लें कि यह समतल एक्स अक्ष पर कितनी लंबाई का अंतःखंड काटेगा, तो आप क्या बताएंगे, समतल के द्वारा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड काट नहीं रहा ना, इसे तो पूछ रहे कितना लंबाई का अंतःखंड काटेगा, अनंत। थोड़ा सा याद करिए कि जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे क्लास 11th में, वहां पर अगर एक लाइन वाई अक्ष के समांतर आ जाती थी तो हम बोलते थे कि इस लाइन के द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड अनंत होगा, और अगर लाइन एक्स अक्ष के समांतर आ जाती थी तो बोला जाता है, या आप वहां पर समझे थे कि एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इनफिनिटी। यहां पर ये एक्स और वाई दोनों अक्षों के तो समांतर है तल, इसलिए एक्स और जेड दोनों अक्षों पर इसके द्वारा काटा गया अंतःखंड कितना होगा, इनफिनिटी। तो किसी समतल के द्वारा, एक और तरीका देखिए इक्वेशन निकालने का, किसी समतल के द्वारा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इन्फिनिटी, किसी समतल के द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 3, किसी समतल के द्वारा जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इन्फिनिटी। इसलिए उस समतल का समीकरण, समतल का समीकरण एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। देखो जिसमें ए अपॉन में वो जीरो हो जाएगा, जेड अपॉन सी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये क्या मिला, वाई इज इक्वल टू 3। ये सदिश समीकरण है, ये कार्तीय समीकरण है। ना समझ में बात आई आपको, आप चेक कर लीजिए, 11.3 एक्सरसाइज है हमारी, 11.3 का 8 नंबर, वाई बराबर 3 दे रखा है उन्होंने। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आप चाहो कि ये कैसे आया, आप बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, क्या कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट जीरो आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप बराबर 3। बताइए ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, आप करके देखो, जीरो हो जाएगा, ये वाई आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बराबर 3, वाई बराबर 3 अभी भी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर आर डॉट, और यहां ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, खाली क्या बचा, जे कैप बराबर 3। वही चीज तो आ गई इसमें भी, नहीं समझ में आया। तो ये इस समतल का अभीष्ट समीकरण मिल गया हमको, देखिए। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको करते हैं। बुआओ देखें भैया, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2, 1 से होकर जाता है। मतलब इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है और इस बिंदु से भी होकर जाता है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, एग्जाम्पल में भी किया था, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। कौन से एग्जाम्पल में किया गया था,
देखिए मैं आपको बता रहा हूं देख करके, ये हम लोगों ने किया था एग्जाम्पल नंबर 20 पे, दो समतलों के प्रति छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, जिसमें होता नहीं था आर डॉट एन वन माइनस डी वन, आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू बराबर डी वन प्लस लैम्डा डी टू, याद आया? अभी मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, नहीं याद आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां देखिए बस इसको क्या लिख सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा तो, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं वेक्टर आर डॉट थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप इज इक्वल टू फोर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा फिगर, मैं फिर से फिगर बना रहा हूं, हर बार जब ये क्वेश्चन आता है हम फिगर बना देते हैं और आपको याद आ जाता है कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए दो समतल हमने बनाए, कुछ ध्यान आ रहा है इसको देख करके, और ये दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा है, दिस इज प्लेन पाई वन दिस इज प्लेन पाई टू। सपोज हियर द फर्स्ट प्लेन इज पाई वन एंड अ सेकेंड प्लेन इज पाई टू, अगेन वी हैव टू फाइंड अ थर्ड प्लेन, थर्ड प्लेन फाइंड आउट करना है जो इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाएगा और इस बिंदु से होकर जाएगा। एक चीज मुझे बताइए आप, इस प्रतिच्छेदन रेखा से समतल होकर जाएगा, कितना समतल होकर जाएगा इससे, कितने समतल होकर इस लाइन से गुजरेंगे? असंख्य। एक रेखा से आपको याद होगा एक सीधी रेखा से कितने समतल गुजर जाते हैं? असंख्य समतल गुजरेंगे, तो इससे भी कितने गुजरेंगे? असंख्य समतल गुजरेंगे, दुनिया भर के समतल इससे गुजर सकते हैं। लेकिन उन दुनिया भर के समतलों में ना आपको केवल और केवल वो प्लेन चाहिए ना जो इस पॉइंट से जाता है, बस। देन यू विल हैव टू फाइंड ओनली वन एंड वन प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। इसलिए हम उस प्लेन को भी बना सकते हैं, यहां पर ये बना दिया एंड सपोज दिस इज द गिवन पॉइंट दैट इज 2, 2, 1। नाउ दिस इज प्लेन पाई थ्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन पाई थ्री। समझ आ रहे हैं आपको? करना क्या रहता है, आपको तरीका बताया गया है, एग्जाम्पल 20 आपको सॉल्व करके भी दिखाया गया है, तो क्या हम ये मान लें कि आप कर पाएंगे इसको? सबसे पहले दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, ये होता है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन वन प्लस लैम्डा वेक्टर एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। ठीक, क्या बताएंगे यहां दोनों समतलों में एन वन क्या है? इसमें ये एन वन है और ये एन टू है। एन वन हमने लिखा थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप प्लस लैम्डा, एन टू की जगह पर लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू डी वन इज फोर प्लस लैम्डा डी टू, यानी कि टू लैम्डा। डी टू का मान दो है ना, ये एन वन है, ये डी वन है, ये एन टू है, ये डी टू है, लैम्डा डी टू टू लैम्डा। फिर इसको और सॉल्व कर लेंगे, आई वाले एक जगह पर कर लो तो क्या बनेगा, थ्री प्लस लैम्डा आई कैप, यहां पर प्लस जे अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस वन प्लस लैम्डा जे कैप, के कैप अगर कॉमन कर लेंगे तो ये टू प्लस लैम्डा के कैप इज इक्वल टू फोर प्लस टू लैम्डा। ये आया दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, पर अभी हमको इस समतल को इस बिंदु से भी गुजारना है, तो क्योंकि दिया गया क्योंकि ये जो समतल है इसको चाहो तो समतल नंबर एक मान सकते हो, तो यहां लिखेंगे क्योंकि समतल एक बिंदु 2, 2, 1
से गुजरता है, 2.2.1 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु समतल एक को अवश्य संतुष्ट करेगा, समतल एक को अवश्य संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा मतलब क्या करना चाहिए, इसका वेक्टर बनाइए, पोजीशन वेक्टर समतल पर किसी भी बिंदु का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर से लिखेंगे, 2i कैप + 2j कैप + 1k कैप, और इसे आर की जगह पर लिख दीजिए, तो 2i कैप + 2j कैप, therefore वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i कैप + 2j कैप + k कैप, ठीक। ये हमने वेक्टर आर की जगह पर लिख दिया, ये नोट कर लीजिए, ये 3 + λ i कैप + -1 + λ j कैप + 2 + λ k कैप इज इक्वल टू 4 + 2λ। अब देखो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट करना है कर लो, 2 का गुणा इससे करेंगे 6 + 2λ, 2 का गुणा इससे करना है तो -2 + 2λ, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो +2 + λ इज इक्वल टू 4 + 2λ, -2 से +2 कैंसिल, 2λ, 2λ, 4λ, 5λ, तो ये देखो यहां पर क्या बचा, 6 बचा और बस लैम्डा बचे, तो 6 + 5λ = 4 + 2λ, इसको उधर भेजो, इसको इधर ले आओ, 5λ में 2λ माइनस हो जाएंगे, 3λ = -2, λ = -2, कुछ गड़बड़ी हो गई, हाँ -2/3 आएगा भाई, ये 3 बार भेजा नहीं हमने ना, चलिए कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है, अब लैम्डा का मान अगर इसमें रख दोगे तो समतल का समीकरण आ जाएगा, इसलिए समतल का अभीष्ट समीकरण कैसे मिलेगा, लैम्डा का मान समीकरण एक में रख दो इस पे, तो ये आ जाएगा आर डॉट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा लैम्डा की जगह पर क्या लिखना है, -2/3, यहां -2/3 लिखिए, तो 3 - 2/3 = 7/3, 3 × 9 - 2 = 7/3, तो ये बन गया 7/3 i कैप, यहां -2/3 लिखिए तो -3 - 2 - 5/3, आप भी थोड़ा देखे रहिएगा, -5/3 j कैप, यहां -3/2 - 2/3 लिखोगे तो 3 × 6 - 2 = 4/3, 4/3 k कैप = और यहां पर जब -2/3 लिखेंगे तो ये -4/3 बन जाएगा, 4 × 12 - 4 = 8/3, इधर ये 8/3 आ जाएगा। आप चाहे तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी r डॉट 7i कैप - 5j कैप + 4k कैप = 8, पर ये तो सदिश समीकरण है, हमको कार्तीय में बदलना है, आपको आप सोचोगे आपको कैसे मालूम कि कार्तीय में बदलना है, क्योंकि दिया भी तो कार्तीय में था, हमने तो सदिश में बदल के किया है इसको, तो जिस फॉर्मेट में दिया जाए उसी में आप आंसर देंगे, कार्तीय में बदलेंगे तो वेक्टर आर की जगह पर क्या लिख देंगे, xi कैप + yj कैप + zk कैप, इसकी जगह लिख दिया xi कैप + yj कैप + zk कैप (i कैप - 5j कैप + 4k कैप = 8), इस तरीके से 7x - 5y + 4z = 8, ये समतल का अभीष्ट समीकरण आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 11.3, 7x - 5y + 4z = 8, या -8 = 0, ठीक है, तो ये नोट कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों वेक्टर r.2i कैप + 2j कैप - 3k कैप = 7,
कॉमा वेक्टर आर डॉट टू वाई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस थ्री के कैप इज इक्वल टू नाइन के प्रतिच्छेदन रेखा और 213 से होकर जाता है। एक ऐसा समतल आपको मालूम करना है जो इन दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाता है, जो इन दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर के जाता है और इस बिंदु से भी गुजरता है। तो आपको नहीं लगता कि लगभग ऐसा ही क्वेश्चन तो अभी 9 नंबर पे लगाया हमने और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 20 पे किया था, तो आप कर लेंगे तो फिर इसको, इसलिए ये हम नहीं करेंगे, ये आपको करना है भाई। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, देख लीजिए। लिखा है तलों x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, एक तल ये दिया गया है, ये एक तल है और एक तल ये दिया गया है, फिर एक तल ये दिया गया है, बहुत सारी तल दिए गए हैं। ठीक है, वैसे कहते हैं तली भुनी चीज खानी नहीं चाहिए, पर आज हम लोग तली तली खा रहे हैं। ठीक है, खैर, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, ये एक प्लेन है, और 2x प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू फाइव, ये दूसरा तल है। प्रतिच्छेदन इन दोनों के, देखो देखो भैया, इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा इस तल पर लंबवत तल का समीकरण आपको पता लगाना है। कुछ समझ रहे हैं? इन दोनों तलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाएगा और इस तल के लंबवत तल का समीकरण चाहिए। अब देखिए मैं फिगर बनाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने एक तल बनाया, देखिए यहां पर तल की प्रतिच्छेदन रेखा बनानी पड़ेगी ना हमको। देखें, ये एक प्लेन हम बना रहे हैं यहां पर, ये एक तल है, ऐसा ही एक तल हमने यहां बना दिया, ये देखिए, और ये है दोनों तलों की प्रतिच्छेदन रेखा। ठीक, आपको इन दोनों तलों की प्रतिच्छेदन रेखा, ये वाला तल है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, और ये वाला तल है 2x प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू फाइव। इन दोनों तलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले और ये जो तीसरा तल है इसके लंबवत तल का समीकरण। तो देखो, ये एक तीसरा तल हमने बनाया, ये जो तीसरा तल ये हमने बना लिया। ठीक है, ये वो तल है जिसका समीकरण आपको मालूम करना है। अगर ये पाई वन है, ये पाई टू है, तो ये है पाई फोर। आप सोचोगे पाई थ्री कहाँ है, ये है पाई थ्री जो दिया गया है। ठीक है, अब आपको इसी तल का समीकरण चाहिए, ये रिक्वायर्ड प्लेन है भैया हमारा, रिक्वायर्ड प्लेन, इसका समीकरण चाहिए। और एक बड़ी अच्छी चीज, ये वाला जो तल जिसका समीकरण आप चाहिए वो इसके लंबवत होना चाहिए, तो बना दीजिए ऐसा एक तल, यहां पर हम बना देंगे, ये है वो प्लेन देखिए, और ये है तल पाई थ्री, इसकी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। कुछ फील हो रहा है थोड़ा सा? ये वाला तल कैसा है, ये वाला तल ऐसा सीधा, और ये वाला तल कैसा है ऐसा, तो दोनों आपस में कैसे हो गए लंबवत, थोड़े लग नहीं रहे हैं ये? देखो, थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा होगा फिलहाल आपको, समझ आ रहे ना? तो अब समझ में आई कुछ बात आपको, कि ये दो तल हैं जिनकी प्रतिच्छेदन रेखा से समतल जाएगा, ये रिक्वायर्ड प्लेन हमारा, और इस तल की खास बात यह है कि इस तल के लंबवत है ये। अब हम आपको बताना क्या चाहते हैं, देखिए, दो तलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण तो हमको पता है। ठीक, अब एक बड़ी खास बात यह है कि लैम्डा का मान कौन निकलवाएगा, क्योंकि पॉइंट नहीं है आज। बात समझ में आई ना आपको? भाई, दो तलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तल का समीकरण हम निकाल लेते हैं, आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। फिर उसके बाद एक बिंदु दिया जाता था, वो बिंदु क्या करता था, लैम्डा का मान निकलवाता था, फिर वापस लैम्डा का मान लिखते थे, फिर हम बोलते थे कि हमारा तल का समीकरण आ गया। पर आज पॉइंट नहीं दिया गया है, हाउ कैन वी फाइंड
द वैल्यू ऑफ लैम्डा कैसे पता लगा सकते हैं? तो अगर बिंदु नहीं दिया गया है तो उसके लिए कंडीशन दी गई है, ध्यान से देखिएगा। ये तल है, इस तल का कोई नॉर्मल वेक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा। इस तल का ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक। इस तल का भी तो अपना कोई नॉर्मल वेक्टर होगा, वो कैसा होगा? नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या? लंबवत। अगर ये तल ऐसा है तो इसका नॉर्मल वेक्टर कैसा होगा? ऐसा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर कैसा हो जाएगा? इस तरह से। अगर हम इसका नॉर्मल वेक्टर n1 मान लें और इसका नॉर्मल वेक्टर n2 मान लें, तो आपको नहीं लगता कि n1 और n2 दोनों लंबवत हैं? तो हम इस तल का नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे, हम इस तल का भी नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर करेंगे? कैसे ना आई लैम्डा का मान आएगा ही, समझ आया? अब आएगा, नहीं पॉइंट देने दो। चलिए खैर, सबसे पहले इन दोनों तलों से जाने, इन दोनों तलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे हम। देखो, इसको आप पहले वेक्टर फॉर्म में बदल लो, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना ज्यादा इजी लगता है। इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू वन। बउआ देखो भैया, समझ रहे हैं आप? अच्छा भाई, आप एक काम कर लो ना, इनको कैपिटल एन वन एन टू कर लो। क्यों कैपिटल? क्योंकि अभी हम यहां लिखेंगे तो स्मॉल लिख देते हैं फिर उसको। इसको अगर आप बदलोगे वेक्टर फॉर्म में तो क्या आएगा? ये आएगा वेक्टर आर डॉट टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इज इक्वल टू फाइव। ये वेक्टर फॉर्म आ गई दूसरे प्लेन की। तीसरे प्लेन की वेक्टर फॉर्म निकाल लीजिए, तो वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमको इन दो समतलों से की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो तलों एक व दो की प्रतिच्छेदन रेखा, तलों एक व दो की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण हम फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन वन प्लस लैम्डा वेक्टर एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा वेक्टर डी टू, ठीक। एन वन की जगह पर क्या लिखेंगे? ये एन वन है, देखो ये एन टू वेक्टर है, ये डी वन है वन, और ये क्या है? डी टू। रखिए तो वेक्टर आर डॉट एन वन की जगह पर क्या लिखिएगा? ये लिखिएगा तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा वेक्टर एन टू की जगह पर इसको लिखेंगे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। डी वन की जगह वन और लैम्डा डी टू की जगह पर फाइव, ठीक। और कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए इसे। सॉल्व करिए इसको थोड़ा सा। तो वेक्टर आर डॉट आई कॉमन लेंगे तो वन प्लस टू लैम्डा आई कैप आर डॉट वन प्लस टू लैम्डा आई कैप प्लस वन प्लस थ्री लैम्डा जे कैप वन प्लस थ्री लैम्डा जे कैप वन प्लस फोर लैम्डा के कैप वन प्लस फोर लैम्डा के कैप इज इक्वल टू वन प्लस फाइव लैम्डा, ठीक। ये आ गया हमारा इस सदिश का समीकरण, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब अगर हम आपसे पूछें ये इस तल का सदिश समीकरण आ गया है, इसको देखकर मुझे इस तल का नॉर्मल वेक्टर बताइए, तो आप बता सकते हैं कितना होगा?
भाई आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, तो आर डॉट के साथ जो जो वेक्टर होता है वही तो नॉर्मल वेक्टर होता है। आपने ये जो इक्वेशन निकाली है ये इस प्लेन की निकाली है आपने, इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर तीन नाम दे दीजिए, क्योंकि एक और दो आप पहले ले चुके हैं। अब यहां पर इस तल का नॉर्मल वेक्टर कितना होगा, यहां तल तीन का नॉर्मल वेक्टर अभिलंब सदिश, तल तीन का नॉर्मल वेक्टर अभिलंब सदिश क्या माना है, तल तीन के नॉर्मल वेक्टर को हमने वेक्टर n1 माना है ना, तो वेक्टर n1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस टू लैम्डा आई कैप, 1 प्लस थ्री लैम्डा जे कैप, 1 प्लस फोर लैम्डा के कैप। ये है इस तल का जो तीसरा वाला तल है, नहीं तल तीन का नहीं है ये तल चार का है भाई, हम कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए इसको इक्वेशन चार ही मान लो, ठीक, तल चार का अभिलंब सदिश ठीक है। अब क्या आप मुझे तल तीन का अभिलंब सदिश बता सकते हैं, तल तीन का अभिलंब सदिश, ये वाला तल तीन है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। चित्र में इसे हमने वेक्टर n2 से दिखाया है। अब यहां पर वेक्टर n1 और वेक्टर n2, क्योंकि ये तल तीन और तल चार दोनों अगर एक दूसरे पर लंबवत है तो n1 और n2 भी तो एक दूसरे पर लंबवत हो जाएंगे, और अगर n1 और n2 एक दूसरे पर लंबवत हैं, यहां लिखेंगे क्योंकि वेक्टर n1 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n2, इंप्लाइज दैट वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 शुड बी इक्वल टू जीरो, दोनों ही n1 और n2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। कर लीजिए इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो आता है आई को आई से, जे को जे से, के को के से, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 प्लस टू लैम्डा को 1 से करेंगे तो 1 प्लस टू लैम्डा, 1 प्लस थ्री लैम्डा को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 माइनस थ्री लैम्डा, 1 प्लस फोर लैम्डा को 1 से करेंगे तो 1 प्लस फोर लैम्डा, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 के बराबर, सॉल्व कर लो, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 4 लैम्डा, 4 दो 6 माइनस 3 3 लैम्डा बचा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये उधर जाएगा तो माइनस 1, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन बाई थ्री। अब यही लैम्डा का मान समीकरण चार में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, लैम्डा का मान समीकरण चार में, लैम्डा का मान समीकरण चार में रखने पर अभीष्ट समतल का समीकरण, अभीष्ट समतल का समीकरण इसमें रखेंगे माइनस एक बटे तीन, लिखो आर डॉट माइनस एक बटे तीन, तो ये माइनस दो बटे तीन हो जाएगा, अब एक में दो बटे तीन माइनस करोगे तो एक बटे तीन आ जाएगा आई कैप, यहां पर माइनस एक बटे तीन लिखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, देखो ना तीन लैम्डा का मान किसके बराबर है, माइनस एक, अगर पूरा तीन लैम्डा माइनस एक लिख दोगे तो माइनस एक प्लस एक जीरो नहीं हो गया, तो जे वाला टर्म तो जीरो हो गया, इसमें माइनस एक बटे तीन लिखे तो माइनस चार बटे तीन हुआ, इसकी वैल्यू माइनस एक बटे तीन आ जाएगी, तो माइनस एक बटे तीन के कैप, यहां पर माइनस एक बटे तीन लिखा जाएगा तो एक माइनस पांच बटे तीन माइनस दो बटे तीन, हम तीन से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो आर डॉट आई कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू माइनस टू। अब ये देख लेते हैं कि इसका जवाब किस तरह से दे रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर है, 11.3 का 11 नंबर, x माइनस जेड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो कार्तीय रूप में दिया गया है, तो आप वेक्टर r की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप के कैप लिखोगे, एक्स आई कैप को इससे गुणा करोगे x, वाई जे कैप वाला जीरो हो जाएगा, जेड के कैप का गुणा करोगे तो माइनस जेड, और वो दो इधर आके प्लस दो हो गया बराबर जीरो, ये समतल का समीकरण निकल करके आ गया। देखिए
समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया? इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 12 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो समतल जो दो दिए हैं उनके बीच का कोण पता लगाना है, और एंगल वाला कोई क्वेश्चन हमने करना नहीं है, तो ये इसको 12 नंबर नहीं करेंगे। 13 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए हुए समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर है और ना लंबवत हैं उनके बीच का कोण ज्ञात करिए। फिर से एक बार दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बात आ गई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यह एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक पर दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात करिए। इसको हम लोग कर लेते हैं क्योंकि एक बिंदु से समतल की दूरी पूछी जा रही है, तो नोट करिए जल्दी से इसको। हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात करिए। आपको हर क्वेश्चन में एक पॉइंट और एक प्लेन दिया है। मैंने दो क्वेश्चन यहां पर नोट किए हैं, ए और बी, बाकी तीन दो पार्ट और बचेंगे, उनको हम नहीं सॉल्व करेंगे, वो आपको करने की हम जिम्मेदारी देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको देखो, ये एक समतल है और ये एक बिंदु है, इस बिंदु से इस समतल की लंबवत दूरी पता लगानी है आपको। नहीं, थोड़ा सा सोच के देखिए, ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी हमको चाहिए, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी हमको चाहिए। समझ आ रहा है कुछ आपको? और अगर मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी चाहिए तो उसके लिए तो हम एक चीज बड़े अच्छे से जानते हैं यार, कि अगर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d है तो उसमें ये चीज मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी होती है। हम ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे, हम सिर्फ अपने समतल को इस फॉर्मेट में बदलेंगे और यहां से ये जो मिलेगा ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी मिल जाएगी। पर याद रहे ये तरीका सिर्फ और सिर्फ मूल बिंदु से समतल दूरी, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी में ही आप अप्लाई कर सकते हैं और कहीं नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्या करा जाए, वैसे किसी भी बिंदु से समतल की लंबवत दूरी का हमारे पास एक फॉर्मूला है, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट एन माइनस डी, आप स्मॉल एन लिख लीजिए, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। समझ आ रहा है कुछ आपको? ये चीज तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, वेक्टर ए क्या होता है, उस बिंदु का स्थिति सदिश जिस बिंदु से हमको समतल की लंबवत दूरी चाहिए, और वेक्टर एन होता है समतल का नॉर्मल वेक्टर, और डी जो ये कांस्टेंट यहां लिखा हुआ है। फिलहाल क्या आप बता सकते हैं वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर ए क्या होगा? मूल बिंदु से उस बिंदु का स्थिति सदिश जिस बिंदु से हमें समतल की लंबवत दूरी चाहिए, यहां से चाहिए तो आज तो ये जीरो का जीरो ही आएगा पूरा, ठीक है। और अगर समतल को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा वेक्टर आर डॉट थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस 12 के कैप इज इक्वल टू 3। यहां से हमको मिला वेक्टर एन इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस 12 के कैप, और डी कितना मिला? 3। किसी भी बिंदु से समतल की लंबवत दूरी का ये फॉर्मूला है, किसी बिंदु से समतल की लंबवत दूरी का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एन। अब ए तो जीरो ही है यहां पर, तो ये वाला पोर्शन तो पूरा का पूरा जीरो हो ही जाएगा। अब मॉड ऑफ माइनस डी यानी कि माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ एन, ये एन है इसका मापांक निकाल लीजिए, 3 × 3 = 9 = 16 = 144, ठीक। ये मॉड निकालोगे 3 आएगा बाहर, इसका सॉल्व करोगे 16 × 25 = 169, 13 आ जाएगा इसका। इतने मात्रक मूल बिंदु से इस समतल की लंबवत दूरी का ये वैल्यू आ जाएगी। आप ये तो किससे लगाया, ये तो हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लगाया है। आपको दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, अगर आप अपने समतल के समीकरण को इस फॉर्मेट का बना लेते हैं, उस वक्त इधर की तरफ जो मिलेगा वो क्या होगा, वो मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी होगी।
आप मूल बिंदु से बार बार क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमको बिंदु मूल बिंदु दिया गया है। तो हम अगर इसको बनाएंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म आपने क्या बनाई है देखो, वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 3। क्या ये वाली फॉर्मेट है? r डॉट n कैप इज इक्वल टू d है क्या ये? आंसर इज नो। ये r डॉट n कैप इज इक्वल टू d नहीं है, ये r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d है। n कैप कैसे बनाओगे? दोनों तरफ इसके मापांक से भाग दे दीजिए। तो यहां पर भी हम इसके मापांक से भाग दे देंगे, 9 + 16 + 144, और यहां पर भी हम इसके मापांक से भाग दे देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर n है और ये वेक्टर n का मापांक है, तो ये तो बन गया n कैप, और उधर क्या आ गया 3/13। उस वक्त ये जो डिस्टेंस होती है, ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी होती है। तो चाहे आप सूत्र की मदद से जाइए या आप ऐसे चले जाइए, दोनों से मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी आपको 3/13 के बराबर ही मिलनी पाएगी। नहीं समझ आ रहे आपको? चाहे जैसे करिए, आपने पूरा प्लेन को समझा है इंटरनली, आप उसको जैसे भी हो सके, आपको लगता है ऐसे करना है वैसे आप करिए। बी पार्ट देखिए, एक पॉइंट दिया गया है, एक ये समतल है हमारे पास, ये मैंने एक प्लेन बना लिया, उस प्लेन की ये इक्वेशन है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये माइनस तो नहीं रहना चाहिए, तो हम इधर माइनस कर लेते हैं, तो हम कर लेंगे वेक्टर r डॉट माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 3। पूरी इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब तो ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां पर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए मान लीजिए, उसके कोऑर्डिनेट 3, -2, +1। आज निर्देशांक अक्षों पर चित्र नहीं बनाया है, ऐसे ही बना लिया मैंने, कोई भी रफ फिगर बना लिया, ठीक है। और ये यहां से समतल पर लंब की लंबाई चाहिए, इस समतल की इक्वेशन है आर डॉट माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 3, और ये इस बिंदु का निर्देशांक है। अगर मान लें कि यहां कहीं पर मूल बिंदु होगा, तो इसको a से लिखते हैं, मूल बिंदु से उस बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा उसको वेक्टर a से लिखते हैं। तो यहां वेक्टर a क्या बन जाएगा? मूल बिंदु से इस बिंदु तक का जो स्थिति सदिश होगा उसको वेक्टर a से लिखेंगे, तो वेक्टर a की वैल्यू क्या बनेगी? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप। अब अभीष्ट दूरी का सूत्र क्या लगेगा? अभीष्ट दूरी का सूत्र लगेगा मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस d अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n। नहीं समझ में आई बात आपको? आ रहा है? अच्छा, अब देखो, क्या इसमें, इस क्वेश्चन में भी हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं? ये वाला सूत्र वाला तो लगा रहे हैं, क्या ये वाला लगा सकेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां मूल बिंदु दिया था तो लगा रहे थे, क्योंकि ये जो ये डिस्टेंस होती है वो मूल बिंदु से समतल की दूरी होती है, दुनिया के किसी भी बिंदु से समतल की दूरी नहीं होती है यार, इसलिए यहां पर आज मूल बिंदु नहीं है तो फिर व्यू नहीं लगा सकते, फिर आप इसी से यूज करिए। फिर तो कर लेंगे इसको आप। यहां पर वेक्टर n की वैल्यू क्या है बताइए? माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। d कितना है? 3 है, और ये सूत्र लग जाएगा, कर लेंगे। एक और बढ़िया चीज बताएं आपको, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा, कि ये जो अभीष्ट दूरी का सूत्र हम बार बार इतना बना लेते हैं ना, हो सकता है कभी आपके मन में ये आ जाए, ये आया कहां से जाता है? अब देखो, थोड़ा गौर से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान दे करके। मैं इसके लिए ना एक चित्र थोड़ा सा बनाऊंगा और उसकी मदद से समझने की कोशिश करिए जरा आप। यहां पर देखिए, ये x है, ये z है और ये y है। कहीं पर भी एक प्लेन बना लीजिए, यहां पर मैं एक प्लेन बना ले रहा हूं, ठीक। यहां से ये एक पॉइंट कहीं पर भी मान लें आप, यहां पर मान लिया बाय चांस,
और यही वो पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन। ठीक, यहां से तल पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, ये तल पर हमने एक नॉर्मल डाल दिया इस पर, ठीक है। और मूल बिंदु से समतल पर भी तो हम एक नॉर्मल ड्रॉप कर सकते हैं, मूल बिंदु से समतल पर हम एक लंब डाल सकते हैं। तो कुछ ये चीज फिगर कुछ इमेजिन हो पा रहा है आपको, ये ऐसा प्लेन रखा हुआ है तो एक लंब तो हमने ऐसे ही रख लेते हैं, एक लंब तो हमने मूल बिंदु से ऐसा लगा दिया इस पर, और एक लंब वो बिंदु है जो ये बिंदु नहीं रहते देते हैं कि इस बिंदु से समतल पर लंब निकालो, तो उस बिंदु से समतल पर लंब हमने डाल दिया। दोनों परपेंडिकुलर समझ आ रहे ना आपको, एक उस बिंदु से लंब डाल दिया और एक मूल बिंदु से मिला दिया, ये दोनों ही आपस में कैसे होंगे समांतर, ठीक, क्योंकि दोनों ही समतल पर लंबवत है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूं, यहां से इसका ये डिस्टेंस मैं निकालना चाहता हूं। देखो मैं एक काम करके आपको दिखाऊंगा कि मूल बिंदु से अगर पूरा हम इसको ऐसे मिलाते पूरा ये, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कैसे निकालते, या ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, जैसे ये नॉर्मल वेक्टर है आपका, वेक्टर ए है, और हम इसका इस दिशा में प्रक्षेप चाहते हैं, देखो प्रक्षेप तो प्रक्षेप कैसे निकलेगा इसका, नॉर्मल डायरेक्शन पे प्रक्षेप चाहिए आपको, ये प्रक्षेप आ जाएगा आपका ए डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, ए वेक्टर का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप कैसे निकालते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का वेक्टर एन की दिशा में हम प्रक्षेप चाहते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, तो ये क्या आ जाएगी, ये पूरी यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहां से समतल तक का डिस्टेंस, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी क्या होती है, वो होती है डी अपॉन मॉड ऑफ एन, यहां देख रहे थे इनका मॉड भाग देना पड़ा था, आया था। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से पूरी यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इतनी, समतल से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इतनी। अब अगर हम इस पूरी डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो इस बिंदु से समतल की दूरी नहीं आ जाएगी, कर दीजिए माइनस, दोनों का हर बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, ऊपर मापांक कहां से आ गया, क्योंकि ये दूरी है और दूरी को हम माइनस में नहीं लेना चाहते इसलिए मापांक लगा दिया, तो यही सूत्र यहां लिख दिया जाता है बार बार। तो पहले हम क्या करते हैं, उस बिंदु से मूल बिंदु तक की टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं प्रक्षेप वाले मेथड से, और फिर मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकाल के उसको माइनस कर देते हैं, अपने आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकल करके आ जाया करता है। और ये आपकी इस तरीके से एक्सरसाइज हो गई आपकी 11.3, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने इसका कर लिया है, ठीक है। आगे की क्लास में और करेंगे, अब हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, और मिसलेनियस एग्जाम्पल के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, उन क्वेश्चन को छोड़ते हुए जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ठीक है फिर अगली क्लास में करेंगे इसको आगे की चीजें। आई होप कि ये समझ में आ गया है आपको सारा कुछ, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।